राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 काफी इंपोर्टेंट है और ये शायद अभी जयंत जूनियर इंजीनियर के सिलेबस में भी दिया होगा। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, लोक सेवा क्या होता है? लोक सेवा क्या होता है? जनता के सेवक, आपके जितने भी आईएएस ऑफिसर है ये आपके लोक सेवक है। जितने भी तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गए, हॉस्पिटल के चिकित्सक हो गए, ये सारे लोग क्या है? लोक सेवक है। तो इसके लिए गारंटी अधिनियम बनाया कि भैया आपको गारंटी देते हैं कि आपके इतने दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया कि अगर ऐसा काम नहीं हो पाता है तो उसके लिए ये आयोग, ये अधिनियम, ये डिपार्टमेंट आप पर कार्रवाई करेगा। ध्यान से समझो, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, ठीक है, आपका कुछ भी ह्यूमन राइट है, आपने कुछ भी एक फॉर्म के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तहसील में आपने एक एग्जाम्पल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि 20 दिन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनना चाहिए, ठीक है, 20 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र बन के आपके पास आ जाना चाहिए। लेकिन ये जो जाति प्रमाण पत्र है 20 दिन में बन के नहीं आता है, बहुत टाइम लग गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तब तक बहुत सारी वैकेंसी निकल गई, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि आपके लिए अपील अधिकारी बनाए गए, वो क्या होंगे? आप पे कार्रवाई करेंगे। इनसे बड़े अधिकारी के पास जाते हो ना आप कि साहब मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर वो यहाँ पर वापस कॉल लगाएंगे ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आपका काम पूरा हो जाता है। तो ये इस राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार ने कहा कि हम आपका काम करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, हम आपका काम करवाएंगे। तो ये स्टार्ट कहां से हुई? तो ये स्टार्ट हुई अशोक गहलोत गवर्नमेंट से, ठीक है, अशोक गहलोत की सरकार से ये चीज स्टार्ट हुई, काफी अच्छा है, ठीक है। अशोक गहलोत जो राजस्थान के सीएम है, इनके द्वारा स्टार्ट हुई थी कब? 2011 में। तो 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम बना। तो जब बना था उस टाइम 15 डिपार्टमेंट थे, 15 विभाग थे और उनकी कितनी सेवाएं थी? 108 सर्विसेज थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 15 डिपार्टमेंट को बढ़ाकर 25 डिपार्टमेंट कर दिया और इसमें 221 सेवाएं हो गई, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऊर्जा, पुलिस, शिक्षा, यातायात, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, राजस्व, ये जो आपके तहसीलदार एसडीएम वगैरह हो गए, स्थानीय निकाय, नगरीय विकास, आवासन, हाउसिंग बोर्ड वगैरह, ठीक है, फूड डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस वाला, सामाजिक अधिकारिता डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं। जो बोलता हूं उसको लिखते रहना क्योंकि मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता। तो इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये बेचारा एक गरीब आदमी, बहुत भोला भाला आदमी, देखो कितना भोला दिख रहा है, कितना भोलू सा दिख रहा है, ठीक है, ये अपना ऑफिस है, ये है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक है, ये है अपना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मतलब विद्युत विभाग, ठीक है, ये है हमारा विद्युत विभाग। तो क्या हुआ कि इस बंदे का लाइट का बिल 1 लाख रुपया आ गया। कितना आ गया? कई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख, 1 लाख रुपया इसका क्या हो गया? लाइट बिल आ गया। तो ये बंदा बेचारा यहाँ पर गया, इसने यहाँ पर क्या दी? एक एप्लीकेशन दी कि साहब मेरा बिल बहुत ज्यादा आ गया, आप कुछ कार्यवाही कीजिए, ठीक है, साहब मेरा बिल ज्यादा आ गया, कुछ कार्यवाही कीजिए। तो विद्युत डिपार्टमेंट, विद्युत विभाग में गया और इन्होंने इसकी सुनी नहीं और ऐसे ही इसको अटका रहे थे। बहुत टाइम हो गया था, 1 महीना 2 महीना इसका काम हो ही नहीं रहा था, ठीक है, इसको परेशान किया गया, ठीक है, और गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि हर एक डिपार्टमेंट शिकायत के निवारण के लिए एक डेट दे देगा। फॉर एग्जांपल आप जाति प्रमाण बनवाते हो तो सरकार ने फिक्स कर दिया कि 20 या 25 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए, और अगर नहीं बनाते हो तो आप कारण जरूर बताओगे कि हम इस कारण से आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना रहे, इस कारण हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इतना करोगे तब तक तो ठीक है, लेकिन आप उसका सर्टिफिकेट नहीं बनवाया उसको परेशान नहीं कर सकते, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम और हो गया तो काफी अच्छा हो गया। तो ये क्या हुआ कि ये इसके पास गया कि भैया काम नहीं हो रहे हो, तो यहाँ पर एक अधिकारी है, ठीक है, ये गुस्से में बैठे रहते, लाल कलर का ऑफिस है, ठीक है, एक अधिकारी इधर भी है, ठीक है, ये थोड़ा और बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा अधिकारी है, तो अधिकारी है, तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट अपील अधिकारी, छोटा, इससे और बड़ा होता है तो देट इज द सेकंड अपील अधिकारी, क्लियर। तो ये बंदा क्या हुआ कि यहाँ पर काम नहीं हुआ, इसका लाइट का बिल बहुत ज्यादा आ गया, तो ये अपील अधिकारी सरकार ने बनाया, ये इसके पास जाएगा 30 दिन का टाइम, ठीक है, तो ये इसके पास जाके कहता कि साहब मेरा काम नहीं हुआ, मैं यहाँ पर एप्लीकेशन लेके गया। तो ये जो अपील अधिकारी होगा ये इसकी बात को सुनेगा और ये इस पे एक्शन लेगा, भैया क्या हुआ,
लेकिन कई बार क्या होता है कि फर्स्ट अपील अधिकारी भी चोर हो जाता है, ये भी क्या होता है इनके सेटिंग होती है, इनके कमीशन वगैरह होते हैं, तो ये इस बंदे की सुनते ही नहीं है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट वाइज ही अधिकारी होते हैं। अपील अधिकारी क्या होंगे, कोई जयन हो गया ये विद्युत डिपार्टमेंट में, वहां पर आप कंप्लेन दोगे तो इनसे ऊपर अयन वो फर्स्ट अपील अधिकारी हो गया। जैसे आपके तहसील में होता ना राजस्व विभाग, तो राजस्व विभाग में प्रथम अपील अधिकारी कौन होगा, आपका तहसीलदार, ठीक है। सेकंड कौन हो जाएगा, एसडीएम, और उससे ऊपर आप एडीएम के पास जा सकते हो, समझे। तो ये क्या होगा कि प्रथम अपील अधिकारी ने इसकी बात नहीं सुनी, तो ये क्या किया, फिर एक सेकंड अपील अधिकारी के पास गया। ये किसके पास गया, सेकंड अपील अधिकारी, सेकंड अधिकारी के पास, ठीक है। और ये अगर प्रथम अपील अधिकारी अगर आपकी क्वेरी को सोल्व नहीं कर सकता है तो आप 60 दिन के भीतर, 60 डे के अंदर अंदर आप सेकंड अपील अधिकारी के पास चले जाओ कि साहब मैं यहां गया तो भी मेरी इज्जत नहीं की, फिर मैं सेकंड इनके पास गया था ये अपील अधिकारी तो इन्होंने भी मेरी नहीं सुनी। तो ये जो सेकंड अपील अधिकारी क्या करेगा कि रुकिए हम इनको बताएंगे कि पावर क्या होता है। ये क्या करेगा कि एक इंक्वायरी बैठाएगा, ठीक है, इंक्वायरी बैठाएगा, ये इससे जवाब मांगेगा कि भाई बताओ ऐसा क्या हुआ था, ठीक है। तो ये इस पे इंक्वायरी करके और फाइनली जो भी प्रॉब्लम होगी वो इसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, इतना बिल क्यों आया, क्या मिस्टेक थी, तो ये सिस्टम में सोल्व करवा देगा। लेकिन सबसे पहले जो ये राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम बना वो एमपी में बन गया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान में उसके बाद आया था, ठीक है। एमपी ने ये सारा नियम बना दिया कि अपील अधिकारी होगा, सेकंड अपील अधिकारी होगा, लेकिन इसने दंड का प्रावधान नहीं रखा था। एमपी जो मध्य प्रदेश ने ये नहीं कहा था कि अगर काम नहीं करते लोक सेवक तो हम उसको दंडित करेंगे, और यार किसी को दंड नहीं करोगे तो काम ऑब्वियसली नहीं होगा। तो राजस्थान में दंड का प्रावधान किया, राजस्थान में कहा कि भैया अगर काम नहीं करोगे ना तो दंड जरूर मिलेगा, ठीक है, काम नहीं करोगे तो दंड जरूर मिलेगा। तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना जिसने लोक सेवा अधिनियम पारित तो किया, साथ में किसका, दंड का प्रावधान रखा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, तो दंड का प्रावधान कैसे रखा, आपको टाइम पीरियड दे दिया कि भैया 30 दिन में हम काम करेंगे, ठीक है, समझना इस चीज को, ध्यान से समझना। आपको काम दे दिया कि 30 दिन में आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ये गवर्नमेंट से डिसाइड है। आपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और 30 दिन अगर इसका डिसाइड है 30 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए, लेकिन 30 दिन बीत गए कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, तो पर डे उस अधिकारी पर 500 रुपये का फाइन लगेगा, पर डे 500 रुपये की किस्त लगेगी, ठीक है, 500 रुपये आपको पर डे के हिसाब से इसको देना होगा। तो लगातार 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपये तक आप फाइन वसूलोगे उनसे, क्लियर है। सेकंड कहता है कि अगर विलंब हो जाए, विलंब मतलब 30 दिन में काम होना चाहिए लेकिन कितने 40 दिन लग जाते हैं, ठीक है, तो 40 दिन लग जाते हैं अगर विलंब की बात होती है, काम तो हो गया लेकिन 10 दिन एक्स्ट्रा लगे, तो पर डे 250 के हिसाब से आपको फाइन देना होगा। तो 10 दिन का 10 × 250 मतलब 2500 रुपये आपको फाइन देना पड़ेगा, और मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो है 5000 रुपये, ठीक है, मैक्सिमम 5000 रुपये तक आपको इसका फाइन देना होगा, ठीक है। तो प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी का आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 कितना अच्छा है, कितना इंपॉर्टेंट है और कितना सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूजन तो इसमें होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया, तो अब इसकी कमियां क्या है, तो भाई कमी भी तो देखो क्या होगा। तो ऐसे समझो कि जूनियर इंजीनियर के खिलाफ मैंने कंप्लेन दी असिस्टेंट इंजीनियर को, इसके बाद एग्जीक्यूटिव होता है इंजीनियर जो होता है मान लो सेकंड अपील अधिकारी, तो यह तो एक ही डिपार्टमेंट के, अब एग्जीक्यूटिव को लगा यार जयन मेरा ही डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा और अपने तो दोस्ती है, कमीशन वगैरह आ रहा है तो मैं इसका काम नहीं करूंगा। होता है ना कई बार, इनके क्या होते हैं कि इनके पैसे बंदे होते हैं, हर जगह इनका कमीशन डिसाइड होता है। वैसे तो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो जो है वो तो है, आपको बिना पैसा खिलाए कुछ काम नहीं होता। तो जयन को कुछ पैसा खिलाओगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, तो ये कमीशन यहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी आएगा। तो आपने अपील डाली तो ये क्यों एक्शन लेगा भाई, एक्शन ले लेगा, ऐसे एक्शन लेने लग गया तो यहाँ से खर्चा पानी आना बंद हो जाएगा। तो देखो इनकी साठगांठ होती है, तो इसलिए इस चीज को ऑनलाइन कर देना चाहिए, ठीक है। तो सारे डिपार्टमेंट ऑनलाइन होना चाहिए ताकि 30 दिन में अगर आपके कोई भी कंप्लेन का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो आपका फटाफट हो जाएगा। और अभी तक जो दंड मिला ना राजस्थान में, आई थिंक अभी तक 2 या 3 अधिकारियों को ही मिला, जो काफी शर्मनाक बात है, क्योंकि देखो काम तो बहुत सारे लोगों का नहीं होता, तो लोगों को भी
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के लिए जागरूक होना चाहिए। अगर हमें हमारा काम टाइम पर नहीं हो रहा है तो आप अपील अधिकारी के पास जाइए, सेकंड अपील अधिकारी के पास जाइए, वैसे मोस्टली आपका काम यहाँ से हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ, ताकि इससे आपको भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच।